आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक ऐसे को जो बहुत ही हॉट टॉपिक है, CSS 2021 में आ सकता है और बाकी एग्ज़ाम्स में भी ये ऐसे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। ECS के एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें ऐसे आया हुआ है ये, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये CSS में भी ऐसे आ सकता है। ऐसे है जी, राइज ऑफ इस्लामोफोबिया। आउटलाइन आपके साथ डिस्कस करता हूँ और आपको बताता हूँ इसकी आउटलाइन, आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगा और थोड़ा बहुत आउटलाइन को एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ इस्लामोफोबिया आउटलाइन है इस ऐसे की, इंट्रोडक्शन, व्हाट डज इस्लामोफोबिया एक्चुअली मीन, ये हमें बताना है कि इस्लामोफोबिया का मतलब क्या है। काजेज ऑफ इस्लामोफोबिया, ड्रॉइंग इस्लामोफोबिया इन द वर्ल्ड, उसमें फिर नीचे इसके सब पॉइंट्स आ जाते हैं, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद बाय इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री, वार ऑन टेरर, नेगेटिव डिपिक्शन ऑफ इस्लाम बाय वेस्टर्न मीडिया, थियरी ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इग्नोरेंस अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स, बाइस्ड लिटरेचर एंड वेबसाइट्स, हॉलीवुड बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये इसके सारे काजेज हैं। अब इस चीज़ के इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं? इफेक्ट्स आर ग्रोइंग इस्लामोफोबिया ऑन मुस्लिम उम्मा, एंटी मुस्लिम हेट क्राइम्स एंड इंसिडेंट्स मशरूमिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंटी मॉस्क एंड एंटी शरिया कैंपेन्स, इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ मुस्लिम लाइव्स, बुलिंग ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, बर्जनिंग होस्टैलिटी टूवर्ड्स मुस्लिम इमिग्रेंट्स, ये इसके इफेक्ट्स हैं। अब इसके रेमेडीज़ क्या हैं, क्या किया जा सकता है, वे फॉरवर्ड क्या है, इसके हल क्या हैं इस्लामोफोबिया को टैकल करने के लिए? मॉडरेशन इन रिलीजन, इज्तिहाद वगैरह और रोल ऑफ उलमा जो है वो बहुत ज़रूरी है इसको टैकल करने के लिए। ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, रोल ऑफ कॉमन मैन इज़ नेसेसरी, कर्बिंग एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, मदरसा रिफॉर्म्स, स्पेंडिंग मोर रिसोर्सेज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिजुविनेटिंग OIC टू यूनाइट मुस्लिम उम्मा, आखिर में इसकी कंक्लूजन, ये इसकी आउटलाइन है। तो हम आगे इस आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा। इंट्रोडक्शन मैंने इसका लिखा हुआ है इसी वीडियो में, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन क्या बनेगा राइज ऑफ इस्लामोफोबिया का। इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। द मुस्लिम वर्ल्ड टुडे इज कॉट इन अ विशियस साइकिल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस। एज फार एज इंटरनल प्रॉब्लम्स आर कंसर्न्ड, इट इज़ मोर देन एविडेंट दैट सोशल पॉलिटिकल सेक्टेरियन क्लीवेजेस अबाउंड विद द प्लाइट ऑफ क्रम्बलिंग इकोनॉमी फर्दर एडिंग इंसल्ट टू इंजरी। अब मुस्लिम वर्ल्ड जो है एक तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस में फंसा हुआ है। जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं अगर हम उसकी बात करें तो वो हमें पता चलता है कि सोशल पॉलिटिकल सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स हमारे हैं, लेकिन एक क्रम्बलिंग इकोनॉमी, एक तबाह हुई इकोनॉमी, एक टूटी फूटी इकोनॉमी फर्दर जो है इन चीज़ों को ख़राब कर रही है, एड इंसल्ट टू इंजरी कर रही है। अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स की बात करें एक्सटर्नली, द मोस्ट डाउंटिंग चैलेंज द मुस्लिम वर्ल्ड कन्फ्रंटिंग इज़ द परवेसिव इस्लामोफोबिया। एक्सटर्नली जो चैलेंज है, एक्सटर्नल चैलेंज जो है जो मुस्लिम वर्ल्ड सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है वो क्या है? इस्लामोफोबिया, बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। एंटी मुस्लिम रेटरिक एंड बिगटरी इज राइजिंग एट लाइटनिंग स्पीड एंड हैज़ इम्बोल्डन्ड द राइट विंग पॉपुलिस्ट एंड वाइट सुप्रीमेसिस्ट अक्रॉस द ग्लोब। अब एंटी मुस्लिम एक तरह का जो स्टीरियोटाइप, एक जो हसद बोल सकते हैं, वो उभरता जा रहा है लाइट की स्पीड से, और इस चीज़ ने जो सुप्रीमेसिस्ट हैं, जो राइट विंग पॉपुलिस्ट हैं, राइट विंग जो होते हैं किसी भी पार्टी के जो कंजर्वेटिव मैन होते हैं, तो एंटी मुस्लिम बिगटरी पैदा होने की वजह से ये राइट विंग सुप्रीमेसिस्ट वगैरह और बहादुर हो गए हैं इस्लाम की इमेज को ख़राब करने के लिए। दिस राइजिंग ज़ेनोफोबिया हैज़ इट्स रूट्स डीपली एम्बेडेड इन 9/11 अटैक्स दैट द US एंड द वेस्ट टर्म्ड इट एन एक्ट ऑफ इस्लामिक टेररिज्म। अब जो एक राइजिंग ज़ेनोफोबिया है, ज़ेनोफोबिया एक तरह का रेसिसिज्म होता है, ज़ेनोफोबिया मीन्स के फॉरेनर्स को ना पसंद करना, तो ज़ेनोफोबिया इस्लामोफोबिया के जो रूट्स हैं वो 9/11 से निकले हैं। इन द aftermath ऑफ दीज अटैक्स द अल्ट राइट ब्लंटली क्लासिफाइड द रिलीजन ऑफ इस्लाम एज अ पोटेंट थ्रेट टू द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द फियर कॉज द राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हेट मुस्लिम्स अक्रॉस द ग्लोब। अब इन अटैक्स के बाद राइट विंग सेक्शन के जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव लोग थे, उन्होंने इस्लाम को वेस्टर्न सोसाइटी के लिए एक थ्रेट करार दिया, और इस फियर ने क्या किया, मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में नफरत पैदा कर दी। द टर्म इस्लामोफोबिया वॉज डेवलप्ड टू फियर इस्लाम एंड मुस्लिम्स एज अ सोशल ग्रुप। अब इस्लामोफोबिया जो एक टर्म है डेवलप ही इस वजह से की गई है कि लोग इस्लाम से और मुसलमानों से डरे। देयर आफ्टर मुस्लिम्स वर जनरली टाउंटेड, रिडिक्यूल्ड एंड परसीव्ड एज टेररिस्ट इन अमेरिका एंड अदर रीजन्स ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। उसके बाद ही मुसलमानों को रिडिक्यूल किया गया, उनको टोका गया, उनकी मजाक उड़ाई गई, उनको टेररिस्ट करार दिया गया, परसीव किया गया अमेरिका में और बाकी रीजन्स में।
वेस्टर्न वर्ल्ड के बाकी रीजन्स में भी उनको टेररिस्ट करार दिया गया। सिंस देन एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट्स हैव बीन इंटेंसिफाइंग विथ ईच पासिंग डे, और उसके बाद ही मुसलमानों के खिलाफ सेंटीमेंट्स जो हैं उभरते गए हैं गुजरते वक्त के साथ। ओवर द पास्ट ईयर्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैज़ बीन इंक्रीज ड्रामेटिकली, रिजल्टिंग इन द पर्सिक्यूशन एंड इवन किलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स इन देयर वर्शिप प्लेसेस, विच इज़ द वेक अप कॉल फॉर मुस्लिम्स उम्मा नाउ। अब इसमें यह बात कर रहा है कि पास्ट ईयर्स में हमने देखा कि मुसलमानों की तरफ हॉस्टिलिटी बढ़ती गई, जो इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, जो मुस्लिम बाकी कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनके खिलाफ जो है हॉस्टिलिटी बढ़ गई, इवन मुस्लिम्स को मारा गया, मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया गया, मुस्लिम्स की वर्शिप की प्लेसेस जो हैं वहाँ पे उनको कत्ल किया गया। अब ये जो है एक तरह की वेकअप कॉल है मुसलमानों के लिए कि वो अब उठें और अपने लिए आवाज़ रेज करें। हाल ही में हमें पता है कि फ्रांस में क्या हुआ, किस तरह जो है मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया गया। द वेस्टर्न मीडिया इज़ लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू डिसमिनेट एंटी मुस्लिम रेटरिक हेटेड अगेंस्ट मुस्लिम्स एंड टू होल्ड देम रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी टेररिस्ट अटैक हैपनिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब जो वेस्टर्न मीडिया है उसने भी कोई मौका नहीं छोड़ा, एंटी मुस्लिम जो भी चीज़ उन्हें नज़र आई है, जो एंटी मुस्लिम हेट फैलाने के लिए दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी इंसिडेंट हुआ है तो उसको मुसलमानों के साथ जोड़ दिया गया है। ये थी राइज ऑफ इस्लामोफोबिया की आउटलाइन और इसका इंट्रोडक्शन। द फर्स्ट काज इज मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ जिहाद बाय इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री। ये इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री है कि जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है उसको इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री ने मिस इंटरप्रेट किया है। अब इस इंडस्ट्री को काउंटर जिहाद मूवमेंट का भी नाम दिया गया है, उसको काउंटर जिहाद मूवमेंट के नाम से भी पहचाना जाता है। ये वेस्ट में एक तरह की इंडस्ट्री है, एक तरह की मूवमेंट है जो जिहाद को रोकने के लिए, जिहाद को एज अ टेररिस्ट एक्ट प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब हेनरी जैक्सन सोसाइटी वगैरह और जो मीडिया आउटलेट्स हैं, कुछ पॉलिसी मेकर्स हैं और कुछ पॉलिटिशियंस हैं वो इस मूवमेंट में शामिल हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए, इस्लाम को नेगेटिव डिपिक्ट करने के लिए। वो क्या करता है इस्लामोफोबिया इंडस्ट्री, नेगेटिव डिस्कोर्स जितना भी होता है मुसलमानों के खिलाफ उनको फैलाता है। ये एक काज है इस्लामोफोबिया के ज़्यादा बढ़ने का। द सेकेंड काज इज़ क्या है, वार ऑन टेरर। वार ऑन टेरर का आप सबको पता है कि आफ्टर 9/11 वेस्ट हैज़ फाउंड न्यू एनिमी टू लीगलाइज देयर एक्टिविटीज़ टूवर्ड्स ईस्टर्न कंट्रीज़। अब पहला जो एनिमी था वेस्ट का वो क्या था, कम्युनिज़म था। लेकिन वार ऑन टेरर जब हुआ, 9/11 के इंसिडेंट्स हुए, तो क्या किया US ने, 9/11 के जो अटैक्स हुए उन अटैक्स के बाद टेररिज्म को रोकने के लिए कोशिशें शुरू हो गई। अब एक्चुअली में 9/11 जो हुए उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए वो टेररिज्म को रोकने के लिए थे, उनको क्या नाम दिया गया, वार ऑन टेरर, ठीक है, कि वार अगेंस्ट टेररिज्म। लेकिन बाद में इसी को इन्होंने वार अगेंस्ट इस्लाम कर दिया, वार अगेंस्ट मुस्लिम्स कर दिया, क्योंकि इन्हीं मुसलमानों को जिहादिस्ट का नाम देके कम्युनिज्म को रोकने के लिए 1979 में US ने इस्तेमाल किया था, ठीक है। US के लिए यही, आज के जो तालिबान थे पहले मुजाहिद थे, लेकिन उनके जब इंटरेस्ट पूरे हो गए तो इन्हीं मुजाहिद को US ने तालिबान का नाम दे दिया। अब कम्युनिज्म ख़त्म हो गया, US को नया एनिमी चाहिए था अपनी जो एक्टिविटीज़ थी ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ लीगलाइज करने के लिए, तो उन्होंने फिर इस्लाम को अपना दुश्मन मान के इस्लाम को टेररिस्ट रिलीजन करार दे दिया, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ उधर बरकरार रखें, अफगानिस्तान में, सीरिया में, मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, ये इनकी एक तरह की पॉलिसी है। इट प्रूव टू बी वार अगेंस्ट इस्लाम, और ये जो बाद में क्या हुई कि वार अगेंस्ट इस्लाम हुई, वार अगेंस्ट इस्लाम कर दिया, पहले वार अगेंस्ट टेररिज्म था। तो ये इसका सेकेंड कॉज है। थर्ड कॉज जो है, नेगेटिव डिपिक्शन ऑफ इस्लाम बाय वेस्टर्न मीडिया। अब वेस्टर्न मीडिया भी जो है कोई भी मौका नहीं छोड़ती, ABC न्यूज़ देख लें, CBS न्यूज़ देख लें, फॉक्स कवरेज जो देख लें, जितनी भी हैं उनमें 80% कवरेज जो मुसलमानों के लिए होती है वो नेगेटिव होती है। मुसलमानों के व्यूज़ को अंडर रिप्रेजेंट किया जाता है और मुसलमानों के इमेज को नेगेटिवली डिपिक्ट किया जाता है वेस्टर्न मीडिया में। और इसी वेस्टर्न मीडिया के डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि अगर कोई नॉन मुस्लिम कोई इस तरह का अटैक कर दे, जो डायरेक्टली हम कह सकते हैं टेररिज्म का अटैक है, तो वो क्या कहते हैं कि जिसने किया है, यानी कि जिस नॉन मुस्लिम ने किया है वो मेंटली डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है, वो अपने हवासों में नहीं है। लेकिन अगर वही अटैक कोई मुसलमान करता है तो उसकी बाइसनेस हमें नज़र आ जाती है और डायरेक्टली उस मुसलमान के एक्ट को पूरे इस्लाम के साथ लेबल किया जाता है, उसको टेररिस्ट करार दिया जाता है। लेकिन उनका अपना नॉन मुस्लिम जो होता है वो डिस्ट्रेस्ड होता है, मेंटली डिस्ट्रेस्ड होता है। तो ये जो है ना, इसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्टर्न मीडिया के। इसके बाद आ जाता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। हंटिंगटन की एक थ्योरी है कि वेस्ट और ईस्ट के बीच में कल्चरल क्लैश आएगा, तो इस्लामिक सिविलाइजेशन,
एक बिगेस्ट एनिमी जिस तरह मैंने आपको बताया है माना जाता है वेस्ट के लिए। कम्युनिज्म की जब कोलैप्स हुई तो यूएस के पास दूसरा या वेस्ट के पास कोई दूसरा एनिमी नहीं था जिसके लिए वो अपनी एक्टिविटीज़ बरकरार रखे। अब कम्युनिज्म और इस्लामोफोबिया दोनों पैरेलल हैं। कम्युनिज्म भी आफ्टर द एशेज ऑफ वार आया, ठीक है, और इस्लामोफोबिया भी आफ्टर द एशेज ऑफ वार आया। तो कम्युनिज्म एज अ एनिमी ख़त्म होने के बाद यूएस को एक तरह का एनिमी चाहिए जिससे वो अपने मकासद पूरे कर सकें, जिससे वो अपनी एक्टिविटीज़ को बरकरार रखें। तो 9/11 ट्रेजिडी जो थी एक तरह की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी यूएस के लिए, और इस्लाम को फिर उन्होंने अटैक किया एज अ एनिमी। इस्लाम के जो फॉलोवर्स हैं उनको अपना दुश्मन मान लिया, अपना नया दुश्मन बना दिया, यानी कि कम्युनिज्म को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी जो है ये भी इस्लामोफोबिया के कॉजेज में आ जाती है। द नेक्स्ट कॉज इज इग्नोरेंस अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स। अब मोस्ट ऑफ द अमेरिकन जो हैं डू नॉट नो अबाउट मुस्लिम, द डू नो लिटिल अबाउट इस्लाम। इस्लाम के बारे में, मुस्लिम के बारे में वो बहुत ही थोड़ा जानते हैं, तो उनकी इग्नोरेंस है इस्लाम के लिए और मुस्लिम्स के लिए। फिर वो जो सुनते हैं, जो फिर उनके दिमागों में डाला जाता है मीडिया के थ्रू, वो उसी पे यकीन करते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक नेटवर्क ग्रुप, उसने एक सर्वे कंडक्ट किया तो उसमें 38% ऑफ अमेरिकन जो थे दे सेड के वो किसी मुसलमान को नहीं जानते, यानी कि उनका कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है। 62% जो है उन्होंने उसमें कहा कि हमने शायद ही कभी मुसलमान से कन्वर्सेशन की हो। अब ये हालत है, यानी कि दे नो नथिंग अबाउट मुस्लिम्स एंड इस्लाम, लेकिन उनके दिमागों में ये चीज़ें डाली गई हैं। इस्लामोफोबिया एक डाला गया है, ठीक है, कि इस्लाम जो है एक ख़तरनाक रिलीजन है, इनके दिमागों में ये डाला गया है थ्रू द मीडिया। बाइस लिटरेचर, हॉलीवुड, बॉलीवुड जो है ये भी एक बड़ा कॉज है इस्लामोफोबिया के बढ़ने का। बाइस लिटरेचर लिखा जाता है, ठीक है, एक किताब थी हेरेटिक 2015 में जो है शाया हुई थी, उसमें मुसलमानों के लिए बहुत कुछ लिखा गया। उसमें ये लिखा गया कि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, यानी कि बहुत क्रिटिकल लिखा गया इस्लाम के लिए। तो 22 लिटरेचर, 22 वेबसाइट्स वगैरह, उन पे जो डिस्कोर्स है वो इस्लाम के खिलाफ का होता है, मुसलमानों के खिलाफ का होता है। हॉलीवुड, बॉलीवुड देख लें हम, हॉलीवुड की इतनी मूवीज़ हैं, बेरुत एक इसका मिसाल है, जिसमें मुसलमानों को नेगेटिव डिपिक्ट किया जाता है, अरब्स को विलन दिखाया जाता है। इसके अलावा इस बेरुत मूवी में एक अमेरिकन डिप्लोमेट होता है जो अपने कोलीग को बचाने जाता है फिक्शनल मिलिशिया, और मिलिशिया वो अरब्स होते हैं। इसी तरह बॉलीवुड में भी एक रिसेंटली सीरीज़ आई थी बाड ऑफ ब्लड, जिसमें इमरान हाशमी लीडिंग रोल प्ले कर रहा था, उसमें भी मुसलमानों को नेगेटिवली डिपिक्ट किया गया। तो इस तरह की बहुत मूवीज़, बहुत जो है लिटरेचर, बहुत सी वेबसाइट्स पे, बहुत से बुक्स जो हैं इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के लिए लिखा जा रहा है। तो ये भी एक कॉज है इस्लामोफोबिया के बढ़ने का। के इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसके, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्रोइंग इस्लामोफोबिया ऑन मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम उम्मा पे इस चीज़ के क्या इफेक्ट हुए हैं। जो सबसे पहला असर है वो एंटी मुस्लिम हेट क्राइम इंसिडेंट एंड सेंटीमेंट्स है। 500 हेट क्राइम्स हुए, 500 हेट क्राइम्स इन 2009, और न्यूजीलैंड इंसिडेंट आप सब जानते हैं, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग करके मुसलमानों को मस्जिद में शहीद किया गया, उनके ऊपर फायर किया गया, ये आप सब जानते हैं। इन इंसिडेंट्स का एक मिसाल है ये। तो इस तरह के जितने भी इंसिडेंट्स हैं वो इस्लामोफोबिया की वजह से बढ़ गए हैं। रिसेंटली फ्रांस में जो इंसिडेंट हुए, फ्रांस में जब मुसलमानों के फीलिंग्स को हर्ट किया गया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती करके, और उसके बाद मुसलमानों पे अटैक किया गया, हिजाबी लड़कियों पे अटैक किया गया, दो हिजाबी लड़कियों को मारा गया, तो ये सारा जो है आफ्टर इफेक्ट्स हैं इस्लामोफोबिया के। हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, मुसलमानों की सेंटीमेंट्स के साथ खेला जा रहा है, हेट क्राइम इंसिडेंट्स जो हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, मुसलमानों की ज़िंदगी जो है वेस्ट में बहुत मुश्किल होती जा रही है। तो ये एक इफ़ेक्ट है इस्लामोफोबिया का मुस्लिम उम्मा पे। दूसरा जो इफेक्ट है एंटी शरिया कैंपेंस, एक ये है। दूसरा इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ मुस्लिम लाइफ, दूसरे में ही दो इफेक्ट्स आ रहे हैं। एक तो एंटी शरिया कैंपेंस चल रही है, यानी कि 9/11 के करीब एक पार्क था, पार्क 51 जगह कहते हैं इसको, एक जगह है वहाँ पे, एक मस्जिद थी वहाँ पे, तो उस मस्जिद को विक्ट्री मॉस्क का नाम दिया गया, यानी कि वो 9/11 के जगह के नज़दीक थी। तो वेस्ट वालों ने यही कहा कि ये विक्ट्री मॉस्क है, यानी कि यहीं से सारा प्लान हुआ है और यहीं पर बैठ के मुसलमानों ने जो है अटैक्स प्लान किए थे। और इसके अलावा बाकी जो मस्जिदें बननी होती हैं उनको भी बनने से रोक दिया जाता है। ये एंटी मुस्लिम, एंटी शरिया कैंपेन्स चलती हैं वेस्ट में, चल रही हैं। इसके अलावा मुसलमानों की लाइफ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा है। प्यू सर्वे, 50% ऑफ मुस्लिम बिलीव दैट बीइंग मुस्लिम इन यूएस इज़ डिफ़िकल्ट, मुसलमान होना यूएस में बहुत मुश्किल है, ठीक है, मुसलमान होकर यूएस में गुजारना बहुत मुश्किल है। इस तरह की लाइफ अब मुस्लिम्स गुजार रहे हैं यूएस में, वेस्ट में। उसके बाद आ जाता है बुलिंग ऑफ मुस्लिम्स,
बुलिंग ऑफ मुस्लिम स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक सर्वे के मुताबिक के 52% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने स्कूल जाना, कॉलेज जाना बंद कर दिया है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि दे आर मुस्लिम्स, उनको बुली किया जाता है, उनको तंग किया जाता है। इसके बाद है बर्जनिंग हॉस्टैलिटी टूवर्ड्स मुस्लिम्स, मुसलमानों के खिलाफ बहुत सी हॉस्टैलिटी बढ़ गई है, मुसलमानों के खिलाफ क्रूअल किस्म के जो बिहेवियर है वो बढ़ गए हैं। ट्रंप एक बड़ी मिसाल था, इमिग्रेंट्स को उन्होंने बैन किया, ठीक है, इमिग्रेंट्स जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स थे उनका आना बंद किया US में। तो ये एक तरह का बिहेवियर जो मुसलमानों की तरफ है, ये इस चीज़ का मिसाल है, ये इस चीज़ के इफ़ेक्ट्स हैं, इस्लामोफोबिया के इफ़ेक्ट्स हैं। अब इस एंटी मुस्लिम इमिग्रेंट्स जो एक तरह की हॉस्टैलिटी हो रही है मुस्लिम इमिग्रेंट्स के खिलाफ, उससे क्या हो गया, मुसलमानों की ज़िंदगी जो है डेंजरस हो गई है, उनको टेररिस्ट करार दे दिया गया है, उनकी लाइफ जो है बहुत ही मुश्किल हो गई है वेस्ट में। इस्लामोफोबिया जो बढ़ रहा है, इस चीज़ का इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स जो बाहर रहते हैं, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, उन पर पड़ रहा है। तो ये थे कुछ 3-4 इफ़ेक्ट्स इस्लामोफोबिया के राइज होने की वजह से जो हो रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को टैकल कैसे किया जा सकता है, इस चीज़ को टैकल करने में क्या रोल प्ले कर सकते हैं हम, कौन कौन कर सकता है, कौन रोल प्ले नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। जो पहला इसमें आता है वो मॉडरेशन इन रिलीजन, इनके रिलीजन में हमें थोड़ी मॉडरेशन लानी पड़ेगी, जो हमारे उलमाज हैं उनको रोल प्ले करना पड़ेगा। इश्तिहाद जो हमारे दीन में मौजूद है कि सुन्ना और कुरान से अगर आपको कोई हल नहीं मिल रहा तो मॉडर्न प्रॉब्लम्स का हल आप इश्तिहाद करके निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का जो है कौन कर सकता है, जो उलमा है वो कर सकते हैं, उलमा इस चीज़ को टैकल करने में, इस्लामोफोबिया को ख़त्म करने में अपना रोल बहुत ज़्यादा प्ले कर सकते हैं। उलमाज शुड एड्रेस मॉडर्न प्रॉब्लम्स बाय कंडक्टिंग इश्तिहाद, इश्तिहाद जैसी नेमत का फ़ायदा उठा के इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जा सकता है। उलमाज हु आर वेल नोन एंड रेस्पेक्टेड इन वेस्टर्न सोसाइटी शुड कम फॉरवर्ड एंड स्टार्ट एंगेजिंग पीपल इन वेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेथ डायलॉग्स एंड डिस्कशन ऑन सीरियस टॉपिक्स। अब उलमा जो है, जो बड़े वेल नोन हैं, जिनकी बड़ी इज्जत है वेस्ट में, वेस्टर्न सोसाइटी में, उनको क्या करना चाहिए, वो आगे आएँ और इसके अलावा डायलॉग्स वगैरह, डिस्कशंस वगैरह, सेमिनार्स जो हैं सीरियस टॉपिक्स पे करवाएं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेथ हार्मनी क्रिएट करें, जो वेस्ट के लोग हैं उनको इनवाइट करें, उनके जो सवाल हैं, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको क्लियर करें, उनको जवाब दें, ये सारा रोल उलमा प्ले कर सकते हैं। 2018 में 1800 मुस्लिम क्लर्क्स जो थे उन्होंने एक फतवा दिया था कि सुसाइड बॉम्बिंग जो है इस्लाम में हराम है। तो इस तरह के फतवे, इस तरह के एक्ट्स जो हैं मुस्लिम क्लर्क्स को करने हैं, मुस्लिम उम्मा को अदा करने हैं, ताकि इस्लामोफोबिया ख़त्म हो और इस्लाम का जो ट्रू इमेज है, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस वाला जो उसका इमेज है, वो सामने आए। इसके अलावा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फॉर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी, मुसलमानों की जो पहचान है उसको प्रमोट करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाए जाएँ। सोशल वेलफेयर, म्यूचुअल कोऑपरेशन के जो प्रोग्राम्स होते हैं मुसलमान की पहचान को प्रिजर्व करने के लिए ऑर्गेनाइज करने हैं, सेमिनार्स करने हैं, और इसमें जो यूथ है वो अपना रोल प्ले कर सकती है। थर्ड जो रेमेडी है, कर्बिंग एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, BLA, अलकायदा, ISIS, बलूचिस्तान लिब्रेशन, अलकायदा वगैरह जैसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको ख़त्म किया जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन किए जाएँ। ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद पाकिस्तान में जो ऑपरेशन किए गए इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए, ये बहुत ही अचीवेबल, बहुत ही कमेंडेबल जो है एक तरह की कामयाबी है जो पाकिस्तान ने हासिल की ऐसे फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए। तो इस तरह के ऑपरेशन और होने चाहिए ताकि ये जो फोर्सेज हैं जो इस्लाम का इमेज ख़राब कर रहे हैं उसको वो फिर टैकल कर सके, उसको फिर ख़त्म किया जाए इन फोर्सेज को ख़त्म करके। इसके बाद आता है मदरसा रिफॉर्म्स, इस्लामोफोबिया का राइज ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए मदरसा रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। मदरसा जहाँ पे बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे बच्चों को रहने की जगह दी जाती है, खाना पीना दिया जाता है, लेकिन वहीं पे जो है इस तरह के करिकुलम, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं जो इस्लाम को नुकसान देती हैं, उनमें जो नेगेटिव जिहाद वाला फैक्टर है बच्चों में डाला जाता है, पॉजिटिव जिहाद वाला फैक्टर नहीं डाला जाता। तो उसके लिए मदरसा रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। तो मॉडर्न सिविक एजुकेशन जो है वो देना मदरसा में बहुत ज़रूरी है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा, या तो उसके साथ उन मदरसों को इंटीग्रेट किया जाए, करिकुलम जो है इसका मदरसे में जो हमें पढ़ाया जाता है, बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसको चेंज किया जाए। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना चाहिए, जितने भी मदरसा हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके अलावा उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, उनको फाइनेंसिस कहाँ से मिल रहे हैं, इस चीज़ को मॉनिटर किया जाए। ये मदरसा रिफॉर्म्स होंगे तो फिर इस्लामोफोबिया का राइज़ कम होगा, इस्लाम की जो ट्रू इमेज है वो सामने आएगी।
इसके बाद है स्पेंडिंग मोर रिसोर्सेज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी और साइंस पे रिसोर्सेज ज़्यादा स्पेंड करने हैं। इंडिया जो है 1.2% ऑफ GDP टेक्नोलॉजी पे स्पेंड करता है, चाइना यूरोप से भी ज़्यादा 2.2% ऑफ GDP इस्तेमाल करता है अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। पाकिस्तान को और बाकी ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक, उनको भी यही चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी पे अपना स्पेंडिंग ज़्यादा करें। अब टेक्नोलॉजी पे स्पेंडिंग होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो पॉवर्टी ख़त्म होगी, पॉवर्टी ख़त्म होगी तो फिर टेररिज्म की तरफ यूथ नहीं जाएगी। इससे क्या होगा, इस्लाम की इमेज पे उंगली उठाने वाला नहीं होगा, इस्लाम की इमेज ख़राब नहीं होगी जब हमारी यूथ जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाएगी, हमारी यूथ जो है इन एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस की तरफ नहीं जाएगी, तो फिर इस्लामोफोबिया का राइज कम होगा। ये था सारा रेमेडीज़ और वे फॉरवर्ड कि इस्लामोफोबिया को कैसे टैकल कर सकते हैं, इस्लामोफोबिया के राइज को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। आखिर में हमारी आती है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन हमारी यही है कि जो राइजिंग इस्लामोफोबिया है उसको ख़त्म करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो अपना रोल प्ले करें, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है हर जगह दुनिया में जहाँ पे भी वो अपना रोल प्ले करें, जो मुस्लिम एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं उनको प्रमोट ना करें, मुसलमानों की इमेज को डिमोनाइज इस्लाम को करना, इस चीज़ को प्रमोट ना किया जाए, टेररिज्म को जो है मुसलमानों के साथ लिंक ना किया जाए, क्योंकि टेररिज्म जो है पूरी दुनिया का मसला है, सिर्फ मिडिल ईस्ट मुसलमानों का मसला नहीं है। तो ये एक रिलीजन को सिर्फ जो है लिंक कर देना टेररिज्म के साथ, ये गलत है। कि मीडिया जो है ये अपना रोल प्ले कर सकती है वेस्टर्न मीडिया को काउंट करने के लिए, वेस्टर्न मीडिया का नेगेटिव जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए, पॉजिटिव पोस्चर मीडिया प्रेजेंट करे इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में, ताकि वेस्ट को पता चले कि मुसलमान असल में क्या हैं, इस्लाम असल में क्या है। सेमिनार्स वगैरह डिस्कशंस वगैरह करने चाहिए, ठीक है, वेस्ट में उलमास के ज़रिए, ताकि जो वेस्ट वाले लोग हैं उनके जो दिमागों में चीज़ें डाली गई हैं उनके सवाल का जवाब उनको मिले। ये इसकी कंक्लूजन थी। ये सारा राइज ऑफ इस्लामोफोबिया पे ऐसे था। अगर आपको इसका टाइप्ड फॉर्म चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है, वो टाइप्ड फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा सारा ऐसे पूरा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे देखने और सुनने का शुक्रिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।